वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कॉन्सेप्ट। आज हम ईआर मॉडल में एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो एंटिटी सेट है, एक है लोन और एक है पेमेंट। इनके बीच में एक रिलेशन है लोन पेमेंट का। लोन के कुछ एट्रीब्यूट हैं जैसे लोन नंबर एंड अमाउंट, पेमेंट के कुछ एट्रीब्यूट हैं जैसे पेमेंट अमाउंट, पेमेंट की डेट एंड पेमेंट नंबर। इस ईआर डायग्राम से हमें यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर यदि किसी ने लोन लिया है तो उसे पेमेंट करना होगा इस लोन पेमेंट रिलेशनशिप से। लेकिन मान लीजिए यदि हम इस लोन एंटिटी को डिलीट कर दें तो क्या ये पेमेंट एंटिटी एग्जिस्ट करेगी? नहीं, क्योंकि जब लोन एंटिटी ही नहीं होगी तो हम पेमेंट किसका करेंगे। यहाँ पर जो पेमेंट एंटिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? लोन के ऊपर डिपेंड कर रही है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। तो एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी क्या होती है? इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटी एक्स डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटी वाई, मतलब कि यदि किसी एंटिटी का एग्जिस्टेंस एक्स जिसे हम बोल रहे हैं, यदि वो वाई एंटिटी के एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है तब हम इसे बोलते हैं कि एक्स इज एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट ऑन वाई। एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल बॉक्स से शो करते हैं ईआर डायग्राम में। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के एंटिटी हो गए, एक डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स में और एक सिंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स में। यहाँ पर जो एंटिटी अपने एग्जिस्टेंस के लिए अदर एंटिटी के एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है उसे हम वीक एंटिटी बोलते हैं। मतलब हम एंटिटी को अब क्लासिफाई कर रहे हैं दो पार्ट में। एक होगा वीक एंटिटी जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए अदर एंटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, और एक होगा स्ट्रांग एंटिटी जिसके ऊपर वीक एंटिटी से डिपेंड करेगा। If you have any doubt, please leave a message in comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept as it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.